गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल दैट क्रिएटिव कपल। और गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कुकिंग रेसिपी से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के अप्पे। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सूजी लेते हैं और मठा लेते हैं, जो दही पतला दही होता है ना वो, उसको आपको भिगो के रख देना है 4-5 घंटे के लिए सूजी और मठे में, मठा को। और उसके बाद आपको 4-5 घंटे के बाद क्या करना है, बैटर में टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया वगैरह सब मिक्स करके रख देना। और फिर जो आपका बैटर का मिक्सचर है वो अप्पे के जो सांचे आते हैं उसमें आपको फिल करके, और जो एकदम मीडियम फ्लेम में या स्लो फ्लेम में उसको ढक के रख दीजिए। तो ये हमारे जो अप्पे का सांचा है उसमें लिड नहीं है, तो हम इसको प्लेट से ढक देते हैं। फिर जब थोड़े पक जाए आपके, तो उसको आपको ऐसी स्टिक आती है अप्पे के सांचे के साथ, उसके हेल्प से आपको पलट देने हैं सारे अप्पे, और अगेन फिर आपको उसको ढक देना है 5-7 मिनट तक कुक करने के बाद। फिर से खोल के देखिए, देखिए हमारे डिलीशियस से अप्पे बन के हो गए हैं रेडी। तो ये दोनों साइड कुक हो चुके हैं गाइस, ये देखिए। तो अब मम्मी ने बनाए थे आज अप्पे, तो वो अब प्लेट में इनको सर्व कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे, मतलब मेरे पर्सनल फेवरेट हैं अप्पे। मुझे सूजी का सारा आइटम, मतलब कुछ भी हो, बहुत पसंद आता है मुझे, बेसन इतना पसंद नहीं है। सो देखिए हमारे अप्पे हो चुके हैं रेडी, और इनको आप आराम से खाइए क्योंकि अंदर से ये बहुत गर्म होते हैं। और मुझे सूजी के अप्पे पसंद है टमाटर की चटनी के साथ, मतलब धनिया और टमाटर की चटनी के साथ। तो ये हमारी चटनी रेडी है और अप्पे भी रेडी हैं, तो ये सर्व करने के लिए और खाने के लिए रेडी है। सो गाइज आप लोग भी अपने घर में बनाइए और अप्पे खाइए। सो गाइज ये क्लिप है इवनिंग की, तो और हमारे घर के नीचे क्या हो रहा है, पाइपलाइन डल रही है, जो आजकल पानी वाली पाइपलाइन डल रही है ना, वही डल रही है। तो आवाज़ बिल्कुल, मैं कुछ बोल रही हूँ बट आ नहीं रही है, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दिया जाए। तो मैं और मम्मी बालकनी में खड़े हैं और हम लोग नीचे का नज़ारा देख रहे हैं, तो वही JCP की खुदाई वगैरह हो रही है। और ये पीछे खड़ा है ध्रुव, तो मैं उससे कहूँगी हाय, तो वो आ जाता है वीडियो में, मतलब उसे वीडियो में आना बहुत पसंद है। और आपने कुछ पहले की वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें ध्रुव होगा, तो चलिए देखते हैं, कुछ आवाज़ आप सुन लीजिए। रोड का काम, तो गाइस यहाँ पे रोड का काम हो रहा है। हम लोगों के पास कुछ काम नहीं है, तो हमने सोचा चलो ये देख लें। पहले बहुत फेमस हुआ था ना JCB की खुदाई, तो आज जस्ट हमारे घर के नीचे हो रही है, तो हम लोग इसकी मजे उठा रहे हैं। हाँ गाइस, तो यहाँ पे ना पाइपलाइन डल रही है, तो किसी को भी RO वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक है ना। टंकी लगी, अभी मैं आपको टंकी दिखाती हूँ। हम लोग के घर के सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, वहीं पे टंकी बनी हुई है पानी की, तो एकदम फिल्टर्ड वाटर आएगा। यस गाइस, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखिए, ये पानी की टंकी है, यहाँ मेरे घर के पीछे पहाड़ है, तो एकदम ही वो टंकी बहुत बड़ी है, बट पहाड़ों और पेड़ों के बीच में वो छुप चुकी है, तो वो अच्छे से दिख नहीं रही है गाइस। हमारे घर के पीछे देख रहे हैं आप कितना अच्छा पहाड़ है, माउंटेन। तो यहाँ पे ना चाहे जब हम लोग को मोर भी दिखते रहते हैं, मतलब पीकॉक, और जैसे बारिश वगैरह होती तो वो लोग नाचते भी हैं इधर। हम लोग को मम्मी ने 12-8 देखी थी, 8-10 देखी थी। सो गाइस ये देखिए JCB जा चुकी है, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए दिखाने में, और शाम ज़्यादा हो गई थी, 6:30 बज रहे थे, अंधेरा भी आप लोग को लग रहा होगा। और देखिए रोड का क्या हाल हुआ, पूरी रोड में ऐसे मिट्टी मिट्टी हो गई, क्योंकि दोनों साइड पाइप्स लग चुके हैं। तो गाइस ध्रुव बोल रहा है इसके एडवांटेजेस भी बताओ, तो एडवांटेज वही है गाइस, जैसे इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है बोरिंग कराने के लिए, और आजकल पानी गंदा आता था, तो बीमारियाँ होती हैं अगर अपन गंदा पानी पिए, तो वही है, इससे साफ पानी आएगा, फिल्टर्ड RO वाटर आएगा। कैन बोले बारे है वहाँ वाइट एंड ब्लैक, तो जो वो कैन अपन लेते ना, वो तो कैन वाला जो वाटर अपन खरीदते हैं ना, वो खरीदनी नहीं पड़ेगी, जहाँ से वो वाटर है डायरेक्ट वहीं से पाइपलाइन फिट हो जाएंगी, तो सबके घर में एकदम फिल्टर्ड, सबके नालों में एकदम फिल्टर्ड पानी आएगा, तो यही एक फ़ायदा है गाइस। और अभी कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत मतलब डाउन थी, मुझे सर्दी जुकाम हो गई थी, मैं एक दिन मेला गई थी उस वक्त, उस वजह से, इसलिए प्रिंस 2 दिन से ब्लॉग बना रहे थे, मैंने नहीं बनाया। आप मेरी आइज भी देख सकते हो, तो क्या मैं आपको बीमार लग रही हूँ या नहीं। सो गाइस ये देखिए हमारी स्नेहा, जो कि इनका ऑफिशियल नेम है, वो पढ़ाई कर रही है, इसलिए ना बोला अच्छा लग तो देखिए गाइस कितना चमक रही है ये। तुम्हारे तुम ऐसा क्या लगाती हो जो तुम इतनी चमक रही हो, पढ़ रही है कुछ, DNA वगैरह, इसकी हैंड राइटिंग कुछ ऐसी है, मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ।
चलो तुम पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। तुम अपनी लैंग्वेज में जो सबको पसंद है उसमें कुछ बोल दो सभी को। गाइजों को क्या सुनना है, तुम बोल दो। कछू गाइस थोड़ी है, कछू गाइस आज मैंने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, ओके बाय। और भी बोलो। क्या बोलिए गाइस, ये जो आप ब्लॉग देखते हैं दैट क्रिएटिव कपल के, इसमें जो आते हैं प्रिंसी और प्रिंस, ये दोनों ना बहुत बड़े पदौड़े हैं, बहुत पाते हैं। गाइस अभी जिसने कैमरा बंद किया था तो उसने बोला ये बोल दो कि प्रिंस बहुत बड़े पदौड़े हैं, प्रिंसी नहीं। देखिए गाइस इसको जूम करके, इसको बहुत शौक है आपको जूम करके। जी गाना भैंस क्या चलेगा, ला 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 गाना गाना ला 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 नहीं गाना। कौन सा गाना है, किसी का सपना मेरे जलाई ले। तो मैं किसी का सपना दो ने बोल रहा सॉन्ग तो सुना। सॉन्ग नहीं आता मैं दिखा दो, उनकी दिखा दो का अपनी आवाज में कहा था। कौन सा सपना था, मैं किसी का सपना। कौन सा सपना था, मैं किसी का सपना, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके हाँ हम सुनने वाला हम सुनने वाला गाओ स्टार्टिंग से गाओ चलो आज हम चार्ट खिलाओ हाँ किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ, आसमां को छू लूँ तितली बन उड़ूँ। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए आपको निशी की वॉइस में सॉन्ग कैसा लगा। गिटार बजा के देखो बन जाता दो बजा मैं निपटती उसकी जरूरत तो ड्रग्स का। सो गाइस अब निशी बोल रही है कि वो कुछ ट्यून्स बजाएगी डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स के, तो आप लोग सॉन्ग्स गैस कीजिएगा उसने कौन सा सॉन्ग में ट्यून बजाई है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ तो तुम बजाओ, वो लोग बताएंगे कौन सा सॉन्ग है। ठीक है गाइस अब दूसरा बजाओ। सो गाइस नंबर टू सॉन्ग, टोपी पे कौन सा था, चलो नंबर टू सॉन्ग। अरे वो डायलॉग है ना, सुन कर लो ये वाला। तो गाइस आई थिंक आप लोग पहचान गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। गाइस आप लोग समझ गए होंगे। गाइस देखिए मुझे आता नहीं है तो आप जज मत करना, मैं बस ऐसे ही आप पुरस्कार देते हैं। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में कुछ खास नहीं है, बट
मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, उसके बाद भी मैंने ब्लॉग बनाया। तो आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं परसों को ज़बरदस्ती अपने साथ बैठाई हूँ क्योंकि वो कभी भी ब्लॉग में नहीं आता है। और गाइस बस यही थी हमारी आज की बात, बंद करो। तो कि मुझे देखो गाइस, नो थैंक यू गाइस, दिस इज लास्ट टाइम। थैंक यू गाइस, देखिए हमारा आंसू कितना सुंदर है। उसके लिए दो जगह से गाइस, उसके पास एक इतना फेक टैलेंट है कि उसके सामने आप कुछ भी बोलते रहो वो हंसता नहीं है। लेकिन फिर धीरे 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 उसको ऐसी हंसी आती है, ऐसी उसको बहुत तेज हंसी आ जाती है। देखना गाइस, अभी वो हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको हंसी आ जाएगी। दिखाओ अपना मुखड़ा, तुम मुखड़ा देखो बजे हो जाते। तो गाइस कमेंट के पीछे निशी कर रही है, तो निशी